इसका टेस्ट ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होती पीने के लिए। हाँ जी, अच्छा तुलसी के पत्ते और पुदीने के पत्ते। कौन कौन चाय पीना छोड़ सकता है, जो छोड़ सकता है वो प्लीज़ कमेंट्स में लिखे, मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। और अगर बात सुबह की चाय की हो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ। Agni is still sleeping. Agni गहरी नींद में सो रहा है अभी। नींद में उसने अपने ना कहीं पर नाखून का निशान मार दिया है अपने नोज के पास। कार से देखो सो कितना प्यार है। आगने के सपने में भी कारें आती हैं, जो सोता है तो साथ में कार्स होती हैं। तो ये देखो एक कार भी सिर के पास इसके ऐसे ही है, जैसे कि बस यहीं से बस भी उठेगा एकदम से और बस खेलना शुरू। सारे काम स्लो मोशन में हो रहे हैं, सारे काम कर रही हूँ लेकिन पता नहीं क्यों आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ, सब कुछ बहुत स्लो स्लो चल रहा है। अभी बहुत काम है करने के लिए, आगने की क्लास बस लगने ही वाली है 10:30, बस 5 मिनट्स मोर। जब तक टाइम है तब तक थोड़ा सा मैं अपना हॉल क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पर 5-5 मिनट भी बहुत काम निपटाने पड़ते हैं, ऐसा नहीं होता है क्या हो जाते हैं क्लास के बीच में, तो बहुत मुश्किल है टाइम निकालना, बहुत मुश्किल मतलब बहुत मुश्किल। 15 मिनट्स की ब्रेक होती है और 15 मिनट्स में 5 मिनट्स बच्चा लेट तक लिखता रहता है और फिर हमें लगता है कि यार टाइम पे क्लास में बैठना है, तो आप 2-3 मिनट पहले ही चले जाते हो। तो बीच के 10 मिनट्स में ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं हम जो सोचें कि हाँ। तो मतलब ये जो 2-3 घंटे हैं ना, वैसे तो अच्छा है कि बच्चे को घर से पढ़ा रहे हैं, बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बट एक जो चीज़ है ना वो ये है कि हम जो होम मेकर्स हैं उनको जो ये 2-3 घंटे होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें वो पूरा घर अपना क्लीन करके सब कुछ करके और चीज़ों के लिए टाइम निकाल देते हैं, बट अब वो चीज़ें होती नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल है या कुछ हम कर नहीं पाएंगे, कुछ चीज़ें सफ़र करती हैं बीच में, बट मतलब
ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके घर, आपका घर साफ रहे, सब कुछ। तो मतलब बीच बीच में से निकल के 5 मिनट्स की ब्रेक के, चलो 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 ये काम कर लेते हैं, फिर चलो 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 ये काम कर लेते हैं। तो वो क्या देख रहा है, पॉ कंट्रोल देख रहा है अभी, एंड बस 5 मिनट्स के बाद आराम से बिना किसी, उसके अब बच्चे चेंज हो गए हैं, उनको पता है कि उनकी क्लासेस का टाइम है, तो उनको क्लासेस करनी है, अपनी बैठना है। शुरू शुरू में इतना ज़्यादा मुश्किल होता था, इतना ज़्यादा मुश्किल होता था, मैं जानती हूँ, मैं बहुत बार रोई हूँ इस चीज़ को लेके कि मतलब कैसे मैं करूँ, क्योंकि आपके पे प्रेशर है कि बच्चों को बिठाना भी ज़रूरी है। उन्होंने आपने जब एडमिशन करवा दिए तो होता है कि बच्चों को मतलब करना आना चाहिए, और मुझे सीरियसली उस टाइम में बहुत मुश्किल आ रही थी। आगने के साथ मतलब आगने कोऑपरेट नहीं कर रहा था, या मैं ये बोलूँगी कि हमारे लिए एक बहुत डिफरेंट सिचुएशन थी। कई बच्चे बहुत इजीली बैठ गए थे जिनको शायद पहले से आदत थी, आदमी कभी भी ऐसे था नहीं, और अब ना ही इज़ लाइक सब कुछ, मतलब मुझे तंग नहीं करता इस चीज़ में, पढ़ना है तो पढ़ना है, बैठ जाता है, क्लासेस लगाता है। हाँ, उसके बाद नहीं आप बिठा सकते दोबारा इसको, लेकिन जितना कर रहा है फॉर मी दैट इज इनफ। बोल रहे हो, ये क्वेश्चन दो मामा को। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। मैं बोल रहा हूँ बिग एप्पल। बेटा बिग एप्पल नहीं, मेरे पास स्मॉल एप्पल, और ये देखो ये भगवान। नो बेटा, चीची एप्पल नहीं है, वो अच्छा एप्पल है, वो हमारे घर का एप्पल है, घर के एप्पल को चीची एप्पल नहीं बोलते हैं। ये कौन सा एप्पल है मम्मा? क्या चीज़? ये क्या हो गया बेबी? अभी तो 5 मिनट है। जो लेडीज़ घर में हैं और जो घर का काम देख रही हैं उनको पता है, जिनके बच्चे भी हैं, कि आप बस एक बार उनकी तरफ पीट करते हो, बच्चे उतनी देर में क्या क्या कर सकते हैं। वैसे तो ये अभी सुबह सुबह की का ही टाइम है, और ये इसने अभी अभी कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कई बार। इसीलिए जितना निकाल सकते हो निकाल सकते हो, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करते चलो। और हाँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती कि ये रह गया वो रह गया, बच्चों वाले घर में हर चीज़ होती है, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेनी होती। बच्चों को समझाना ज़रूरी होता है कि बेटा ऐसे नहीं करते, लेकिन आप छोटे 3-4 साल के बच्चों से कितना कुछ एक्सपेक्ट करोगे यार, ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो लेट देम लिव हैप्पीली, और उनको इंजॉय करने दो। यहाँ मैं दिखा रही थी कि आगने का टैंक है ये, जो उसने ख़राब कर दिया है। एप्पल जल्दी फिनिश करो बेटा, ऐसे नहीं, बाद में खा ले, क्लास लगा ले पहले। हाँ, क्लास के बीच में खाना नहीं खाते ना? ठीक है, मम्मा को 2 एप्पल दे दो, दे दो, बाद में खा लेंगे थोड़ा सा एप्पल, ठीक है? जब जैसे ही ब्रेक होगी हम खा लेंगे। ओके ओके, गुड बॉय। गुड बॉय। जो बाबा आप बताओ मुझे, 10 के बाद क्या आता है? 10 के बाद आता है 1111। और 14 के बाद क्या आता है? वो मुझे नहीं आता। आता है 14 के बाद क्या आता है सर? 1414 के बाद क्या आता है? सुबह आएगी। सुबह आएगा? नहीं डुगू, प्लीज बताना बेटा। ये नहीं, मैम को दिखाओगे कोई क्लास में? पहले बताओ 1414 के बाद क्या आता है? मुझे नहीं आता है। वो आपको नहीं आता? अच्छा, 1414 के पहले क्या आता है? नहीं, 14 से पहले 13 आता है ना, और 13 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 15 आते हैं। बेटा काम की बात नहीं सुननी है ना, आपने बोलो बोलो मम्मा के साथ बोलो। A says, as in apple, as in apple. B says, ba. B says. D says duck, as in dog. अच्छा मामा को कुछ सुना दो, पोएम सुना दो, कुछ तो सुनाओ। अभी मैम पूछेंगे फिर आपको आएगा नहीं। Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John, morning good morning. Morning, morning, ding dong bell, ding dong bell. Are you sleeping? आगे की क्लास ख़त्म हो गई और हम बाहर धूप में बैठे हैं, क्योंकि जो आंटी आई थी वो अंदर झाड़ू पोछा कर रही थी अभी ना, तो हम बाहर धूप में बैठे थे थोड़ी देर के लिए। धूप लगी।
धूप लग रही है। सूख जाएगा ना आंटी, जब काम कर लेंगे सूख जाएगा, फिर हम अंदर चले जाएंगे। ओनली टू मिनट्स मोर, ओके ओके, टू मोर मिनट्स फिर हम अंदर चले जाएंगे, फिर हम खाई खाई भी करेंगे ना। अस्मिन हर्षवर्धन के आदमी के फ्रेंड लाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। हर्षवर्धन अभी सो रहा है मामा? हाँ जी। हर्षवर्धन गैस का क्लास लगा रहा है, गैस नहीं क्लास लगा रहा है। हर्षवर्धन मेरे दोस्तों आएंगे आने के। हर्षवर्धन मेरा फ्रेंड है, हर्षवर्धन मेरे दोस्तों नहीं है, हर्षवर्धन मेरा फ्रेंड है, हर्षवर्धन मेरा दोस्त है, ठीक है? ठीक है। आएगा फोटो। कौन सा फोटो? पागने वाला फोटो। बेबी धूप लग रहा है, अंदर चले? हाँ चलो अंदर चलते हैं। आगे एप्पल खाना है ना? हाँ। ये अच्छा एप्पल है मम्मा। हाँ बेटा एप्पल अच्छा ही होता है। ये भी अच्छा है मम्मा। ये भी अच्छा है बच्चे। ये अच्छा है? ये बहन अच्छा है। ये मैं कैसे आई हूँ मम्मा? ये आपको कौन लेकर आया था? आपने लिया था? नहीं कोई लेकर आया था बेटा, मम्मा को याद नहीं, कोई लेकर आया। मम्मा लेकर आई थी। हाँ मम्मा लेकर आई थी। डुगी सुनो तो, आज तो हम भूल गए, दुगुने दुदू नहीं पिया ना, पीना पड़ेगा ना। जब अभी शाम को सो के उठोगे तब देगी मम्मा, ओके? अम्मे पावर लिखाओ। पावर तभी आएगी जब दुदू पियोगे, इसको पावर नहीं होती बेटा। जब मैं सोए के उठूंगा। हाँ जब सोए के उठूंगा, ओके? आदमी और उसकी बातें। आंटी का काम बढ़ा दिया डुगुने। आगे ये लो बेटा एप्पल ले लो। आ जाओ एप्पल ले लो। नहीं चलाकी से मैं यहाँ पर मूंगफलियाँ अपनी एक रेसिपी के लिए वो कर रही हूँ, छील रही हूँ इनको भूनने के बाद, और आगे आराम आराम से जो छिली हुई मूंगफलियाँ ना उनमें से हाथ ले लेके खाए जा रहे हैं। ये कौन सा मूंग? बाबा यहाँ से मत खाओ मम्मा, यहाँ से छील के रख रही है, आप यहाँ वाली से ले लो। नहीं ये वाली से। बेटा मम्मा को चाहिए वो। क्या ये? मम्मा ने अपने खाने की रेसिपी बनानी ना, उसके लिए मम्मा कर रही है। आपको खाना भी आना है? हाँ। गुड बेबी, मेरा गुड बेबी, गुड बेबी। ये कैसे निकल रहा है मम्मा? हाँ ये ऐसे ही निकल रहा है, सब मेरी उसको वहाँ से नहीं उठाना कुछ नहीं, ओके? ओके। अभी पोहा बना रही हूँ अपने लिए, थोड़ा सा मैंने सरसों के दाने डाल दिए, कड़ी पत्ता इसमें मैंने मटर भी डाल दी साथ के साथ ही, और वो प्याज था वो भी किसी तरह भूनना तो है नहीं हमने, उसमें प्याज अच्छा तो भूनेंगे नहीं उसमें, बस थोड़ा थोड़ा सारी सब्जियाँ भी कच्ची कच्ची रखनी होती है। बाकी डाल दी मैंने ब्रोकली, ब्रोकली मैंने खाती थी तब तक की बैटरी लो हो गई मेरे फ़ोन की, और कुछ ज़्यादा चीज़ें डाल के नहीं बना रही हूँ मैं, मोस्टली से सब्जी ही है और पोहा तो मैंने सिर्फ इतना सा रखा हुआ है। सब्जी देखिए सब्जी कितनी सारी है, जस्ट इसलिए कि मैं काटो। क्या काटो बेटा? नहीं नहीं ऐसे फिनिश करो, फिनिश करो।
सॉल्ट भी से ज़्यादा डालना। वैसे तो लोग इसमें मीठा डालते हैं लेकिन मैं इतना मीठा खाती नहीं हूँ, तो मतलब मीठा खाती हूँ लेकिन चीज़ों में डालने से बचती हूँ। हल्दी डालनी नहीं है, थोड़ी सी मिर्च डाल दी इसमें, थोड़ा सा नमक डाला है मैंने, बाकी सिर्फ सब्जी है इसमें और जो पोहा है। शुरू में सरसों का जो मैंने इसमें जो शुरू में तड़का डाला है वो सरसों और जो कड़ी पत्ता होता है उसका डाला है। एंड ये पोहा, पोहा सब्जी मतलब जितनी सब्जी है उसका हाफ पोहा है इसमें, शायद उसका उससे भी कम होगा। बट सच बताऊँ तो ये इस तरह से बना कर ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। पोहा मेरा बन के रेडी, पोहा लंच के लिए बन के रेडी है, मेरा लंच इसी के साथ होगा। और मुझे सच में बताऊँ तो इस तरह से बना के जब पोहा बनाती हूँ ना वो बहुत टेस्टी लगता है मुझे, क्योंकि बहुत बस वेजिटेबल्स एक्स्ट्रा है पोहे के नाम पे, बस थोड़ा सा ये है कि हाँ बस कि डाला है कुछ थोड़ा हैवी करने के लिए टमी को अपने, वो चीज़ है। और सर जब से मैं ये व्लॉगिंग कर रही हूँ ना तब से एक चीज़ है, घर पे कोई हो ना हो मैं अपने फ़ोन से बात करती हूँ एंड आई फील टू लव, कुछ ऐसा वो लोनली वाली फीलिंग नहीं आती है कि यार कोई है नहीं मैं कैसे करूँ या कोई होता नहीं बात करने के लिए, मेरा टाइम बहुत अच्छा कट रहा है और एक प्रोडक्टिव वे में है। तो पोहा हो गया है रेडी, खाना चाहेंगे हम लोग मेरे साथ? खाना है तो खाते हैं। हाँ बेटा पोहा बन गया, खाना है? नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे खाना आती है मैगी। मैगी नहीं खाते, मम्मा के साथ पोहा खाते हैं टेस्टी टेस्टी। ओके नहीं मुझे ये वाला टेस्टी नहीं, पोहा पसंद नहीं है मुझे लगता है। चलो चलो साइकिल चलाने, अब है आगने का टाइम साइकिल चलाने का। आगे टर्न टर्न साइड में, तंग कर रहा है। आगे देखो आगे देखो आगे देखो। ओह माय गॉड, बाहर इतनी धूप पड़ रही थी ना, बहुत ज्यादा धूप पड़ रही थी, और मैं आगे को कार्डिगन, ये मैं कार्डिगन पहन के गई थी उसके साथ उसको साइकिलिंग करवाने। बट सिर्फ दो राउंड लिया, मैंने उसको बोला चल घर चलो, और अभी वो टीवी देख रहा है अपने कार्टून्स पॉ कंट्रोल एंड पता नहीं थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स पेपा पिग, बस वो आएंगे हाफ एन आवर देखेगा, उसके बाद मुझे उसको सुलाना है, और जब वो सो जाएगा तो उसके बाद मैं अपनी बुक्स जो ये है ये पढ़ूँगी। और हिस्ट्री की बुक है, मुझे शायद टाइम के साथ बहुत चेंजेस आते हैं हमारे अंदर ना, तो मुझे पहले कभी हिस्ट्री इतनी पसंद नहीं थी, बट राइट नाउ मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है। तो मैं करूँगी अपनी हिस्ट्री के साथ टाइम पास, और आपसे मिलती हूँ कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। होप, आई रियली होप कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, एंड चलिए आपसे मिलते हैं। ओके बाय बाय।